इंदौर में संस्था सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन और ऑटिज्म अवेयरनेस सोसाइटी के द्वारा संगोष्ठी और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत ऑटिज्म बीमारी को लेकर जानकारी दी गई ताकि इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों की देखभाल में उनके परिजन और अन्य लोगों को सहायता मिल सके, साथ ही लोगों में बीमारी को लेकर जागरूकता आए। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शहर के जाल सभागृह में आयोजित संगोष्ठी के दौरान ऑटिज्म बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ निदान पर गौर कराया गया। इसके साथ ही बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यकर्ता सुभाष गर्ग और डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने बताया कि वे इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिसके चलते ऑटिज्म बीमारी को लेकर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आज द वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, उस इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है इन बच्चों के लिए, जिसमें कुछ रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे बच्चों द्वारा। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका गर्ग है, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। डॉक्टर गर्ग थेरेपी सेंटर की मैं हूँ, ओनर हूँ। तो उसी लिए हम लोगों ने कुछ अवेयरनेस के लिए कि ऑटिज़म क्या है उसके बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि जो ऑटिज़म है वो नॉर्मल नहीं है। बच्चे जैसे पुराने लोग बोलते थे कि बच्चा ज़्यादा मस्ती कर रहा है या ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ये नॉर्मल होता है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग सीख जाएगा, लेकिन यदि ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑटिज़म का रूप ले लेती है। तो इसके अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। सर, अवेयरनेस के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं बच्चों के लिए। जैसे आज हम लोगों ने ये जो आयोजन किया है वो उसी उपलक्ष्य में किया हुआ है। आगे भी जैसे कुछ बच्चे जैसे भूल नहीं पाते हैं, समय सुन नहीं पाते हैं, या फिर अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, या ज़्यादा ज़िद्दी करते हैं, इन बच्चों के लिए ये सारे कार्यक्रम करे हैं, और आगे भी हम लोगों को जब मौका मिलेगा हम ये सामाजिक कार्य करते हैं। चूँकि कल विश्व ऑटिज़म अवेयरनेस डे है, जिसको हम जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑटिज़म एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का व्यवहारिक और मानसिक दोनों समस्या रहती है। सर, अगर बोला जाए बच्चा आँख में आँख मिला के बात नहीं कर पाएगा, बच्चे का भाषा का जो विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, बच्चा खुद की दुनिया में ज़्यादा खोया हुआ रहता है। जब बच्चे से हम किसी तरीके से कम्युनिकेशन करें या सामाजिक मेलजोल की बात करें तो वो अपना अकेला खेलना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं सर बच्चे में। अधिकतर ये सिम्टम्स 1.5 साल की उम्र के बाद देखने को मिलते हैं सर, पर मेरे जो पर्सनल प्रैक्टिस है उसमें देखने के बाद मुझे जो लगा है सर कि ये जो बीमारी है ये अधिकतर कोरोना के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया है। कारण क्या है ये अभी रिसर्च चल रहा है, पर कहीं ना कहीं जो बोला जाए कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पोषण की कमी है, या बोला जाए कि सामाजिक मेलजोल में कमी है, तो ये बच्चों के इसमें आजकल ऑटिज़म की जो व्यवहारिक समस्या, इसको बीमारी भी ना बोलते इसको व्यवहारिक समस्या बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अभी ये देखने को काफ़ी मिल रही है सर। अभी पहले ये बड़े शहरों में होती थी, अभी ये छोटे छोटे शहरों गाँव तो ये बीमारी हो रही है सर। जागरूकता का अभाव है, और जब जागरूकता का अभाव रहता है तो सर ट्रीटमेंट का भी अभाव हो जाता है, और ट्रीटमेंट का अभाव रहा तो फिर बच्चे के ठीक होने के चांसेस जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं सर। ऐसा किसी भी बच्चे में बीमारी हो सकती है, जैसा कैंसर है सर आज मैं ठीक मुझे हो सकता है, वैसे बीमारी जो है केवल बच्चों में होती है। इसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है कि हम बच्चे माँ के पेट में रहे तो हम डायग्नोस कर लें, या बच्चा जब हो जाए तब डायग्नोस कर लें। ये अधिकतर 1.5 साल की उम्र से इसके सिम्टम दिखना चालू हो जाते हैं। कुछ केसेस में इसको जन्मजात विकृति के रूप में भी देखा गया है, पर अभी भी इसमें रिसर्चेस हैं सर। इसका निदान सर बोला जाए तो बहुत ही सीमित है, जिसमें कुछ थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी द्वारा इसका निदान हो रहा है सर, और इसमें भी काफ़ी रिसर्चेस अभी चल रही है सर। आई होप कि हम लोग बच्चों को ठीक कर पा रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है सर, इस बीमारी का ऐसा नहीं है कि लाइलाज नहीं है, बच्चे ठीक भी हो रहे हैं और ठीक होकर जा भी रहे हैं। आज जिस प्रकार का यहाँ पे फंक्शन है इसमें 3 प्रकार के परिवार इन्वॉल्व है सर। पहला, जो बच्चे ठीक हो चुके हैं
जिनके परिवार के साथ समस्या है और जो सामान्य परिवार है सर। जब बच्चे को कोई समस्या है ना तो परिवार छुपाने की कोशिश करता है सर कि यार बच्चे में ये भूत प्रेत की बाधा है क्या, इसको कोई नज़र लग गई होगी, अरे इसका चाचा का जो लड़का है ना वो थोड़ा सा लेट बोड़ा होगा, ऐसी ही कंडीशन में बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो लेट स्टार्ट होता है। तो शुरुआती अगर 2 से 2.5 साल में अगर बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो 5 से 6 साल तक बच्चा ठीक हो सकता है सर। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बच्चों के परिजन और बच्चे शामिल हुए जिन्हें ऑटिज्म बीमारी को लेकर उचित मार्गदर्शन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।